टीचर्स ऑलवेज टेल अस कि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट यू अटेंड. बट हैव यू एवर वंडर्ड कि कई बार ये डायग्राम्स बहुत मुश्किल हो सकते हैं. सो वेलकम टू साइंस पेडागॉजिक्स. टुडे वी आर गोना टेल यू हाउ टू ड्रॉ डायग्राम्स. बट बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस इन आवर जर्नी एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर फर्दर अपडेट्स. नमस्कार चिल्ड्रन, आज के वीडियो में हम डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे. डायग्राम्स जिनका बायोलॉजी में अपना एक अलग वीडियो होता है. एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू मेक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द ट्रिक्स टू ड्रॉ दिस टिपिकल डायग्राम इन अ वेरी इजी वे, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं होती है, जो डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. सो वॉच इट केयरफुली. लेट अस स्टार्ट विद द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग. चलो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूरिनरी ब्लैडर से. ओके, सो इन द सेंटर ऑफ द पेज व्हाट यू विल डू, आपको एक सिंपल सा सर्किल, हाफ सर्किल सा बनाना है. ओके, और इससे एक ट्यूब निकालनी है. तो हमने यहाँ पर ट्यूब के लिए डबल लाइंस ड्रॉ कर दिए. ओके, यू कैन यूज स्केल ऑल्सो. जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है वो स्केल का भी यूज कर सकते हैं. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो उसके लिए हमें दो टेस्टिस दोनों बनानी है. सो सेम इसी के पैरेलल, इसी के लेवल में हम दो टेस्टिस ड्रॉ करेंगे. ओके, एंड जस्ट टेक केयर कि ये टेस्टिस की ये डिस्टेंस और इनकी साइज जो है वो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज यू विल यूज लाइनिंग पेज. क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लाइनिंग पेज मिलेगा, तो उससे आपको इसकी साइज ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ नेक्स्ट इज दैट वी नीड टू ड्रॉ ट्यूब्स. अब ट्यूब्स ड्रॉ करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताती हूँ. आपको यहाँ से स्टार्ट करना, मीन्स इसके हाफ ऑफ द पोर्शन से स्टार्ट करते हुए एक यू बनाना है. ओके, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यू शेप स्ट्रक्चर. क्लियर? अब इस यू शेप स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये ट्यूब की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे को इसको डबल लाइनिंग्स देनी पड़ेगी. डबल लाइनिंग दी मैंने इसको, एंड दिस शुड बी अटैच्ड विद द हेयर एजेस. ओके, सिंपली आपको किसी भी शेप के अंदर, कोई परफेक्ट शेप का क्राइटेरिया नहीं है, बट ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके की शेप आप इधर ड्रॉ करेंगे उसी तरीके की शेप आप इस साइड भी ड्रॉ करते जाएंगे. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस वन. Now one more tube, क्योंकि ट्यूब बनाने के लिए मुझे डबल लाइनिंग बनानी है. क्लियर? यू कैन यूज डिफरेंट कलर पेंसिल्स और यू कैन ड्रॉ डायग्राम विथ ओनली ब्लैक पेंसिल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वी नीड टू कनेक्ट दीज ट्यूब्स विद द टेस्टीज. ये हमने टेस्टीज से इसको कनेक्ट कर दिया. आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर पेंस सो दैट इट वुड बी मोर क्लियर, कि आपको एक मोर क्लियरिटी हो जाए इसके लिए, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज कर रही हूँ. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ साइमल्टेनियसली हम इसकी लेबलिंग भी करते जाएंगे, और लेबलिंग करने के साथ साथ मैं आपको इसका फर्दर कंप्लीशन भी बताती जाती हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द टेस्टीज. देयर इज वन पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ये टेस्टीज हो गया. एज वी नो द टेस्टीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. टेस्टीज जो है वो बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पर अब मैंने ड्रॉ कर दिया है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? नो नीड टू कंप्लीट द होल वन. आप इसको सिंपली इतना भी करके छोड़ सकते हैं. सो हेयर आई हैव ड्रॉन पाउच लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? नाउ द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज स्क्रॉटम. इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम. तो साइड बाई साइड लेबलिंग ऑल्सो डन. This is scrotum. Scrotum में testes present होती हैं, and the tube which carry sperms. इस tube का नाम क्या है initially? That is epididymis. Epididymis. Okay? अब ये जो tube होती है ये scrotum से निकल करके जब thoracic cavity में enter करती है तो students इसका नाम change हो जाता है, और अब इसको हम कहते हैं vas deferens. Now it is known as vas deferens. सो स्क्रॉटम के बाहर थोरेसिक कैविटी के अंदर मैं इसका नाम क्या रखने जा रही हूँ? दैट इज वास डिफरेंस. ओके, वास डिफरेंस जब एंटर कर गई थोरेसिक कैविटी में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर हमने बनाया था. यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होने से पहले इसमें वन पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स ओपन होती हैं. वन पेयर. सो आई नीड टू ड्रॉ वन पेयर ग्लैंड्स. एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी और एक मेरे को इसके अंदर ओपन होगी.
Okay. So one pair of glands. The name of these glands is seminal vesicle. इसका नाम क्या है? Seminal vesicle. Clear? And this I told to you in the starting that this is urinary bladder. हमने urinary bladder से draw करना start किया था. Okay. Now vast difference में सेमिनल वेसिकल ओपन हो गई. अब इसका नाम अगेन चेंज हो जाता है और नाउ इट इज नोन एज इजेक्यूलेटरी डक्ट. इसका नाम क्या होगा? इजेक्यूलेटरी डक्ट. ओके, इजेक्यूलेटरी डक्ट में जब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर निकलता है, जब इजेक्यूलेटरी डक्ट में ये यूरेटर एड हो जाता है, मीन्स एक कॉमन पैसेज बनवा लेता है, तो इसके बाद इस ट्रैक्ट का नाम, यानी इस डक्ट का नाम वापस चेंज हो जाता है. नाउ इट इज नोन एज यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट. व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरिनो जेनाइटल? बिकॉज यूरिनो स्टैंड्स फॉर यूरिन. अब इसमें यूरिन भी पास आउट होगा एंड जेनाइटल मीन्स इट इज रिलेटेड विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो कंबाइंडली इसको हम क्या कहेंगे? यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट. अब यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट जो है, इससे पहले यानी इजेक्यूलेटरी डक्ट में कुछ और ग्लैंड्स भी खुलती हैं और इसका नाम, एक ग्लैंड का नाम है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. क्या नाम है इसका बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ नंबर वन होती है, मीन्स ये इसे एक ही होती है, पेयर में प्रेजेंट नहीं होती. सो वी नीड टू लेबल दिस वन ऑल्सो, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. इट मीन्स देयर इज वन कॉमन ट्यूब which takes the secretion from prostate gland, from ejaculatory duct and urinary tract also. यानी जो urinogenital tract है उसमें तीन ducts का combination है, तीन ducts से secretion आ रहा है, ejaculatory duct से, prostate gland से and urinary tract से. Okay? Now after this, in this ejaculatory duct there is one pair of gland again open और इस ग्लैंड का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड. ऑल दीज आर एसेसरी ग्लैंड्स. ये जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एसेसरी ग्लैंड्स कही जाती हैं. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? दैट इज काउपर्स ग्लैंड. ओके, नाउ आवर डायग्राम इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीटेड. काउपर्स ग्लैंड ड्रॉ कर दी. काउपर्स ग्लैंड ड्रॉ करने के बाद में अब हमें दैट जो मेजर स्ट्रक्चर है दैट इज पेनिस. ओके, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ penis. In this way you need to draw a little bit pointed and okay, and this is called as penis, which is also known as male copulatory organ. Isko male copulatory organ bhi kehte hain. So this is all about front view of male reproductive system, that is scrotum, pouch like structure, epididymis which is a tube, arises from testes, one pair of testes. When it enters in thoracic cavity, it is called as vas deferens. Vas deferens में seminal vesicles open होती हैं, तो इसका नाम हो गया अब ejaculatory duct. In ejaculatory duct, secretion from urinary bladder and prostate gland combines. Now its name is called as urinogenital tract. Okay, urinogenital tract में Cowper's gland open होती हैं, then it continue with the penis, which is also known as male reproductive, male copulatory organ. So this is about male reproductive system. I hope children, now it would be very easy to draw this diagram. In our next video, we will discuss female reproductive system. Thank you for watching. Do like, share, and subscribe if you found the video good. And also stay connected for further updates and questions and diagrams for your board examination.